नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। स्वागत करते हैं आपका द एंगल में। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। असम एनआरसी मुद्दे पर अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, लोकसभा में गृह मंत्री के बयान का दिया हवाला। प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष नहीं कर पाएंगे अफसरों को निलंबित, 45 दिनों में भेजना होगा अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव। आनंद पाल एनकाउंटर सीन का सीबीआई ने किया रिक्रिएशन, आनंद फानंद में सीईओ विद्या प्रकाश को किया एपीओ। और छात्र नेताओं पर सख्ती बरतने की तैयारी, नगर निगम के प्रतिनिधि मंडल ने की कुलपति से मुलाकात। कांग्रेस ने असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन के मुद्दे पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बयान को लेकर उन पर पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह एंड कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराधिकारी हैं और उसी की तरह समाज को बांट रहे हैं। पार्टी ने लोकसभा में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का हवाला दिया और यह भी सवाल किया कि आखिर एनआरसी के मामले पर सिंह और शाह में से झूठ कौन बोल रहा है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान में कहा कि अमित शाह एंड कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराधिकारी हैं। बांटो और राज करो, नफरत फैलाओ और भारत के भाईचारे को छिन्न भिन्न करो ताकि वोट हासिल किया जा सके, यही उनका मुख्य एजेंडा है। अपनी खूबसूरती से सभी को अपना कायल बनाने वाली मीना कुमारी का आज 85वां जन्मदिन है। बेशक वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन अपने लाजवाब अभिनय के कारण वो अमर हो गई। नाम, इज्जत, शोहरत, काबिलियत, रुपया, पैसा, सभी कुछ मिला पर सच्चा प्यार नहीं, ये वाक्य मीना कुमारी पर बिल्कुल फिट बैठता है। जहां एक तरफ बला की खूबसूरत मीना कुमारी पर सारा जमाना फिदा था, वहीं उनका दिल किसी और के लिए धड़कता था। मीना कुमारी बॉलीवुड के आसमां का वो सितारा थी जिसे छूने के लिए हर कोई बेताब था। मीना कुमारी हिंदी सिनेमा में अपने समय की चर्चित अभिनेत्री थी जिन्होंने अपनी कामयाबी का एक नायाब इतिहास रचा। लेकिन पर्दे पर रिश्ते की बुनावट और गर्माहट को साकार करने वाली मीना कुमारी अपने जीवन में इस गर्माहट के लिए जीवन भर तरसती रही। मीना की जिंदगी काफी दर्द भरी रही जिसकी वजह से उन्हें ट्रेजेडी क्वीन कहा जाने लगा। मीना कुमारी ने 29 मार्च 1972 को आखिरी बार कमाल अमरोही का नाम लिया, इसके बाद वह कोमा में चली गई। मीना कुमारी महज 39 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की राजस्थान गौरव यात्रा उदयपुर संभाग के चार भुजानाथ से 4 अगस्त से शुरू होगी और इस यात्रा का समापन 30 सितंबर को अजमेर में होगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यात्रा रथ से पूरे प्रदेश की परिक्रमा 40 दिन में पूरी होगी। एक संभाग की यात्रा पूरी करने के बाद और दूसरे संभाग में यात्रा शुरू होने से पहले बीच बीच में यात्रा को विराम दिया जाएगा। यात्रा 200 में से 165 विधानसभा क्षेत्रों में से गुजरेगी और 6054 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। यात्रा का कार्यक्रम इस तरह से तैयार किया गया है कि हर लोकसभा क्षेत्र में सीएम की यात्रा पहुंचने से पहले स्थानीय भाजपा सांसद को उपयात्रा निकालनी होगी। वह क्षेत्र में आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। भाजपा मुख्यालय में यात्रा संयोजक गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान गौरव यात्रा कार्यक्रम की जानकारी दी। एक हमारी योजना बनी है राजस्थान गौरव यात्रा के दौरान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों से मिलेंगे और ये जो हमारी समिति बनी है इस समिति में राजस्थान के गृह मंत्री माननीय गुलाबचंद जी कटारिया संयोजक हैं और अशोक जी परनामी हमारे पूर्व अध्यक्ष इसके सह संयोजक हैं। राजस्थान गौरव यात्रा की इस प्रेस वार्ता में मैं आप सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये यात्रा 4 अगस्त से प्रारंभ होगी और 30 सितंबर इसका समापन कार्यक्रम होगा। लगभग ये 40 दिन यात्रा राजस्थान के विभिन्न स्थानों से होकर के गुजरेगी। 18 दिन इसके बीच में विधानसभा के कारण से, त्यौहार के कारण से और किसी एक संभाग से दूसरे संभाग के बीच में यात्रा के बीच में थोड़ा सा कुछ ब्रेक, जिसके कारण से प्रशासनिक कामों को भी समय पर निपटाया जा सके, 18 दिन उसमें रहेंगे। कुल 58 दिन की ये यात्रा है। राजस्थान की 200 विधानसभा हैं, 7 संभाग हैं।
इन 7 संभागों में से 3 संभाग में यात्रा 7-7 दिन रहेगी। 165 विधानसभाएं टच करेंगे। 35 स्थान ऐसे हैं जो इस सारी यात्रा में से वंचित रहेंगे। उसमें से जो 12 विधानसभाएं हैं, जो 150 विधानसभा में से, जिसमें जयपुर को छोड़ करके 150 विधानसभाएं हैं, उसमें 12 विधानसभा छूटेगी, बाकी सारी 138 विधानसभाएं उसमें कवर होगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित जी शाह उसमें शरीक होंगे और हमारी मुख्यमंत्री वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे जेके में आएगी और ये 11 बजे हमारी आमसभा शुरू होगी। यहाँ से रथ के द्वारा फिर नाथद्वारा और नाथद्वारा में रात्रि विश्राम, फिर दूसरे दिन की यात्रा हमारी प्रारंभ होगी वो हल्दीघाटी होते हुए कन्नौर होते हुए कालोड़ा में उदयपुर जिले में प्रवेश करेगी और उदयपुर जिले का जो पहला आदिवासी क्षेत्र है गोगुंदा, वहाँ ये यात्रा रथ के द्वारा जाएगी और उसके बाद जो हिली ट्रैक है पूरा का पूरा, और उस दिन हमने लगभग 185 किलोमीटर का रास्ता है और 3 आम सभाएं दी है, इसलिए समय पे पूरा करना संभव नहीं हो रहा है। राज्य सेवा के अफसरों को प्रशासनिक विभागों के विभागाध्यक्ष और अन्य अधिकारी अब निलंबित नहीं कर पाएंगे। विशेष परिस्थिति में कार्मिक विभाग के अलावा संबंधित विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव की ओर से अफसरों को निलंबित किया जा सकता है। इसको लेकर कार्मिक विभाग की ओर से ताजा सर्कुलर जारी किया गया। विभागीय अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव की ओर से निलंबन करने के 15 दिन के भीतर पुष्टि और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग के पास भिजवाना होगा। यदि कार्मिक विभाग के पास 45 दिन के भीतर अनुशासनात्मक कार्रवाई के प्रस्ताव नहीं भेजे गए तो निलंबन को निष्प्रभावी माना जाएगा। मुख्य सचिव की ओर से नए सर्कुलर को सख्ती से लागू करने के लिए आदेश किया गया है। सीबीआई और सेंट्रल फोरेंसिक टीम ने मालासर में अनंत पाल के एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया। इसमें वही जवान, अफसर और हथियार और वही पोजीशन थी जो कि अनंत पाल के एनकाउंटर के समय थी। फर्क बस इतना था कि इस बार अनंत पाल की जगह उसकी डमी थी और एनकाउंटर अंधेरे के बजाय दिन की रोशनी में किया गया। अनंत पाल की डमी को ढेर करने में जवानों को 45 मिनट का समय लगा। वैसे पूरी कार्रवाई करीब 4 घंटे चली। इसमें पुलिस अफसरों को वह सब फिर से करना पड़ा जो उन्होंने एनकाउंटर के वक्त किया था। खास बात यह रही कि आनंद पाल एनकाउंटर में शामिल कुचामन सिटी सीईओ विद्या प्रकाश को सरकार ने एपीओ कर दिया। विद्या प्रकाश को एपीओ उस समय किया गया जब मालासर में आनंद पाल एनकाउंटर सीन सीबीआई रिक्रिएट करवा रही थी। मालासर में श्रवण सिंह के घर पर जब एनकाउंटर सीन को रिक्रिएट किया जा रहा था, उस दौरान भी सीईओ विद्या प्रकाश वहां मौजूद नहीं थे। 4.5 साल तक मेट्रो के काम में ढिलाई बरतने के बाद चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच अंडरग्राउंड मेट्रो भाजपा सरकार के लिए अब अहम प्रोजेक्ट बन गई है। सरकार आने वाले चुनाव से पहले मेट्रो का संचालन करने के लिए जी तोड़ प्रयास कर रही है। छोटी चौपड़ पर कुंड का निर्माण 15 अगस्त तक पूरा हो जाएगा। कुंड के चारों तरफ से पुराने जमाने की नहर दिखाई जाएगी। आइलैंड बने प्लेटफॉर्म का काम पूरा हो गया है। ट्रैक पर लाइन बिछने का काम चल रहा है। आर्ट गैलरी बनाई जा रही है। इसकी सजावट के लिए स्कल्पचर, पेंटिंग्स, कुंड के अवशेष और चौपड़ में खुदाई के दौरान निकले पुरातत्व अवशेष लगाए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लाए गए पुरातत्व महत्व की वस्तुएं भी यहां प्रदर्शित की जाएंगी। मेट्रो सीएमडी पवन कुमार गोयल ने बड़ी चौपड़ पर मेट्रो के काम का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि काम की अधिकता देखते हुए शुरुआत में छोटी चौपड़ तक मेट्रो की ट्रायल की जाएगी। यह ट्रायल सितंबर में होने की उम्मीद जताई जा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में दीवारों को बदरंग करने वाले छात्र नेताओं के खिलाफ नगर निगम कार्रवाई करेगा। निगम अधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर आरके कोठारी से मिला। प्रतिनिधि मंडल ने विश्वविद्यालय परिसर के बाहर शहर की दीवारों, इमारतों को बदरंग करने वाले छात्र नेताओं को लिंग 2 कमेटी की अभिशंसा अनुसार चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की। इस पर वाइस चांसलर ने तत्काल विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अधिष्ठाता को बुलाकर शहर को बदरंग करने वाले छात्र नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नगर निगम के प्रतिनिधि मंडल में सफाई समिति के अध्यक्ष संजय जांगिड़ व राजेश गुप्ता, स्वास्थ्य उपायुक्त नवीन भारद्वाज थे। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से करीबन 1000 डॉक्टर्स के तबादलों के आदेश में एक बड़ी चूक सामने आई है।
विभाग के आला अधिकारियों की लापरवाही के चलते जो आदेश प्रमोशन पर डीएसीपी देते समय लागू होने चाहिए उन्हें तबादलों पर भी लागू कर दिया, जो तकनीकी रूप से गलत है। इस तरह का आदेश जारी करने का प्रदेश में पहला मौका है। अब तक करीब 1300 डॉक्टरों के तबादलों में से आधे से ज़्यादा में तकनीकी गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी से कई डॉक्टरों को उनके मौजूदा वेतन उठाने का अधिकार मिल गया है। अगर ऐसा होता है तो यह गंभीर अनियमितता का मामला बन सकता है। हालांकि अधिकारी पूछे जाने पर आदेशों को सही सही बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव की आहट के बीच सरपंचों की 21 सूत्रीय मांगे राज्य सरकार के लिए सिरदर्द साबित हो सकती हैं। राजस्थान सरपंच संघ ने मानदेय बढ़ाने, ई पंचायत व्यवस्था लागू नहीं करने और टेंडर प्रक्रिया का विरोध किया है। मांगे नहीं मानी तो फिर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों के सातवां वेतन लागू कर दिया गया। सांसद विधायकों के वेतन भत्ते भी लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। सरपंचों का मानदेय भी 10,000 रुपये महीना किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि वर्तमान राज्य सरकार ने ही पिछले साल सरपंचों का मानदेय 4,000 रुपये किया था। सरपंचों ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसे 3 मंत्रियों को यह विभाग दिया हुआ है। सरपंच संघ राजस्थान जो आज अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रेस वार्ता करने जा रहा है, हमारी जिसमें से मुख्य मांगे ये हैं कि टेंडर प्रक्रिया को संपूर्ण रूप से ख़त्म किया जाए, ई पंचायत जो है ई पंचायत सिस्टम को हटाया जाए। ई पंचायत आज की तारीख में कोई भी इंटरनेट की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, न कर्मचारियों की व्यवस्था है, इसलिए ई पंचायत हमारी मुख्य रूप से हटाई जाए। सरपंचों का जो मानदेय है वो ऊँट के मुँह में जीरा वाली बात है, मानदेय 10,000 से अधिक किया जाए। सरपंचों के जो अधिकार थे जो पीछे की सरकारों ने जो दिए थे वो अधिकारों को पुनः हमें दिया जाए, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोगिनी आदि का चयन प्रक्रिया वो हमारे हाथ में होनी चाहिए। उसके अलावा जनता जन योजना आपनी योजना में बिल का जो भुगतान है वो पंचायतें कर रही है, जिससे हमारा बजट बिगड़ रहा है, इसकी व्यवस्था सरकार को अलग से करनी चाहिए, PHD को सुपर्द करना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, इसी को लेकर हम अब आज अपने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है और हम ये चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री जी हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम नेक्स्ट कदम सभी से डिस्कस करने के बाद में हमारी इच्छा यही है कि हम आंदोलन करेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम 2019 में जनवरी फरवरी में न्यूजीलैंड का दौरा करेंगी और इस दौरे पर 5 वनडे मैच और 3 T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। न्यूजीलैंड 2018-19 के सीजन में भारत के अलावा श्रीलंका और बांग्लादेश की मेजबानी भी करेगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 2018-19 के लिए घरेलू सीरीज के शेड्यूल की घोषणा कर दी। इसके तहत कीवी टीम को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 1 T20 खेलना है। इसके बाद न्यूजीलैंड भारत के साथ जनवरी और फरवरी महीने में 5 वनडे और 3 T20 मैच खेलेगा। इसके बाद न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच 3 वनडे और 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। टीम इंडिया का दौरा कीवी टीम के घरेलू सीजन का मुख्य आकर्षण होगा। T20 मैचों का शेड्यूल डबल हेडर है, यानी जिस दिन भारत और न्यूजीलैंड की पुरुष टीमें T20 मैच खेलेंगी उसी दिन भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच भी T20 मैच खेला जाएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जुड़े रहिए द एंगल के साथ। नमस्कार।